हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बिहार विधानसभा में रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 323 है, लेकिन स्पेशली मैंने ये स्टेनोग्राफर्स के लिए बनाया है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो 323 वैकेंसीज हैं, हो सकता है ये वैकेंसीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इनकी डिटेल भी बता देती हूँ। अगर आप इनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। और ये जो 323 वैकेंसीज हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इनकी जो डिटेल है वो भी डिफरेंट है, और लास्ट डेट है, सब कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा वेरियस वैकेंसीज ऑनलाइन फॉर्म 2018, जिसकी जो लास्ट डेट है, इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 22 नवंबर, इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और 166 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर अगर आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस से रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो आप इसके नोटिफिकेशन के थ्रू रीड कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एज दिया गया है, और उसके बाद रिलैक्सेशन भी एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ये जो 166 वैकेंसीज है, इनको डिवाइड किया गया है। ड्राइवर जिसमें 14 वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरी स्टाफ 7 वैकेंसी, ऑर्डर लेटर डिस्ट्रीब्यूटर्स 10, और ऑफिस केमिस्ट 13 वैकेंसीज। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड वैकेंसीज है उसके बारे में। यहाँ पर 101 वैकेंसीज है, और इसमें जो लास्ट डेट है वो आपकी आज ही है। आज ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए टिल 5 PM, अगर आप इस वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड हैं। और यहाँ पर जो ये वैकेंसीज है, इसमें है असिस्टेंट के 54, और रिसर्च असिस्टेंट 8, लाइब्रेरी असिस्टेंट 10, उर्दू असिस्टेंट 2, उर्दू ट्रांसलेटर 2, ट्रांसलेटर 2, असिस्टेंट ट्रांसलेटर 6, एंड जूनियर क्लर्क की है 17। अब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के बारे में। ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जो थर्ड आपका फॉर्म है, उसमें 56 वैकेंसीज है, जिसमें रिपोर्टर की, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की है। यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर के एसएससी का फॉर्म भी वैसे तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी बीच बीच में काफ़ी मिल रही है। तो आप अगर स्टेनो का कोर्स कर रहे हैं, प्रिपरेशन है, तो आप जरूर इस टाइप के फॉर्म को फिल करिए। एटलीस्ट आपको अपनी नॉलेज और आपको पता चले कि हाँ, हमारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर रिपोर्टर की 23 वैकेंसीज है, पर्सनल असिस्टेंट की 8 वैकेंसीज हैं, और स्टेनोग्राफर की 25 वैकेंसीज हैं। देखिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज कम नहीं हैं। 25 वैकेंसीज अच्छी वैकेंसीज हैं। और इसके बाद आपकी जो स्टेनोग्राफर की है, ये बिहार की है। ये जो वैकेंसीज है, ये बिहार की, याद रखिए, ये बिहार की वैकेंसीज हैं, और विधानसभा से रिलेटेड ये वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है। और अगर आप इसकी और भी पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक वैकेंसी जो और निकली है, जिसके अंदर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसीज निकली हैं, और कुछ टाइम पहले यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसीज में निकली थी, इसमें 21 वैकेंसीज निकली थी। सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाई, लेकिन इसी में अब अगेन वैकेंसीज निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं, बट हो सकता है आप उस एरिया के नज़दीक है, या फिर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। बेनिफिशियल है तो देन आप अप्लाई करिए। यहाँ पर जो स्टेनो ग्रेड 1 है, उसके लिए 3 वैकेंसीज है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन भी रीड करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएँ और आप उस फॉर्म को फिल कर पाएँ। यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ये डिटेल है, ये मैंने स्पेशली स्टेनोग्राफर्स के लिए प्रोवाइड की है, क्योंकि स्टेनो की वैकेंसीज कंप्लीट जो वैकेंसीज निकलती हैं, वो इन्फॉर्मेशंस कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने ये वैकेंसी जरूरी समझी और आप लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।